हेलो दोस्तों, आप सभी को बताई होगा दिल्ली में होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए सरकार बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चला रही है, पर उसी में से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली ही नहीं उसके आसपास के शहरों को भी ट्रैफिक जाम की समस्या सुलझाने में मदद कर सकता है, और वो है दिल्ली और उसके आसपास के शहरों को जोड़ने के लिए बनाया जाने वाला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी में से एक RRTS कॉरिडोर के बारे में। हम देखेंगे यह किस रूट पर दौड़ने वाला है, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, उसकी टाइमलाइन कैसी है, उसे किस तरीके की कनेक्टिविटी दी जाने वाली है, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के 3 कॉरिडोर्स पर दिल्ली में जोरों शोरों से काम शुरू है। इसके अलावा 6 और ऐसे कॉरिडोर है जो अभी प्रपोज स्टेट्स में है, पर आज हम इस वीडियो में जिस कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले है वो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर की होने वाली है। इस कॉरिडोर को सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के स्वरूप में डेवलप किया जा रहा है। अगर आपको इस वक्त दिल्ली से मेरठ की यात्रा करनी हो तो लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, पर यही यात्रा आप दिल्ली मेरठ RRTS की सहायता से सिर्फ 55 मिनट में पूरी कर पाओगे। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 30,274 करोड़ रुपीज का खर्चा आने वाला है, और इस रूट पर कुल 24 स्टेशन का डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके अलावा इस कॉरिडोर के रखरखाव के लिए 2 मेंटेनेंस डिपो का भी निर्माण किया जाएगा, उसमें से पहला दुहाई और दूसरा मोदीपुरम में बनाया जाने वाला है। अगर इन पे बनाए जाने वाले स्टेशन की बात की जाए तो RRTS के लिए 14 स्टेशन बनाए जाएंगे, उसमें से सबसे पहला स्टेशन सराई काले खान, उसके आगे न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल, और सबसे आखिरी स्टेशन होने वाला है मोदीपुरम। उसके अलावा मेरठ में इस कॉरिडोर को लोकल ट्रांजिट सर्विस के लिए भी यूज किया जाएगा। उसके लिए मेरठ में 9 अलग स्टेशन का डेवलपमेंट किया जाएगा, उसमें सबसे पहला स्टेशन होने वाला है पार्तापुर, उसके आगे रिथानी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, MES कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ, और सबसे आखिरी मोदीपुरम डेपो। इस रूट के मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम जैसे स्टेशन लोकल ट्रांजिट सर्विस और RRTS दोनों के लिए यूज किए जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस कॉरिडोर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इस 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण अलग अलग तरीकों से किया जाने वाला है, जैसे कि 68 किलोमीटर लंबा सेक्शन एलिवेटेड होने वाला है, 14 किलोमीटर लंबा सेक्शन अंडरग्राउंड होकर गुजरेगा, और आखिरी 1.45 किलोमीटर का सेक्शन जमीन पर से होकर गुजरने वाला है। इस कॉरिडोर का डिजाइन 180 किलोमीटर पर आर का स्पीड अचीव करने के स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाया जा रहा है, पर इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आर होगी और एवरेज स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आर के पास रखी जाएगी। अगर इसके टाइमलाइन की बात की जाए तो साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक का 38.5 किलोमीटर का सेक्शन जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, और निजामुद्दीन से लेके साहिबाबाद तक का 16 किलोमीटर का सेक्शन जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, और बचा हुआ 37.4 किलोमीटर का सेक्शन जो मेरठ साउथ से शुरू होकर मोदीपुरम तक जाने वाला है, यह जुलाई 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगर इस कॉरिडोर के कनेक्टिविटी की बात की जाए तो उसे विभिन्न प्रकार से एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट को जोड़ा जाएगा, जैसे कि यह दिल्ली मेट्रो को पिंक और ब्लू लाइन में जोड़ेगी, और उसी के साथ इंडियन रेलवे और बस टर्मिनस से भी इस लाइन को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।